जय माँ काली दोस्तों, जय माँ कामाख्या। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज का आप लोगों को लेके आ चुका हूँ आदिशक्ति महामाई मांढरगढ़ निवासिनी कालिका माता कालेश्वरी के दर्शन को। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और मैं इस वीडियो में आपको फिर से जैसे लास्ट टाइम पे दर्शन आप लोगों को कराया था, वैसे होपफुली काड़ुबाई के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के दर्शन कराने वाला हूँ। काड़ुबाई का जयकारा लगाते हुए चलते हैं आदिशक्ति काड़ुबाई के दर्शन को। बोल मांढरचा काड़ुबाई चनावने चांग भले। तो हम लोग अभी फिलहाल बच चुके हैं 5:45, और यार बस ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा। सुबह 7 की बस थी, 1 घंटा लेट आई, और फिर वो बस लेट करते करते वाई हम लोग को पहुँच चाहिए 7:00, 5:45। ये गाड़ी है, यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे ऊपर वाई से, यहाँ से करीबन आधा घंटा लगेगा अपने को जाने में काड़ुबाई के राजवाड़े पे। तो अपनी मंडली से मिला देता हूँ मैं, कौन कौन अपने साथ आया है। तो ये है अनिकेत, सबको तो पता ही होगा जिसने वीडियो देखा है। और इन लोग आए तो सबके साथ अभी गाड़ी भरने का टाइम है। क्या बोल रहे थे अनिकेत? हम जा रहे हैं काड़ुबाई मांढर देवी। हाँ, तो आप भी आ जाओ, हम भी आने वाले हैं। हाँ, आज शाम 7:00 मांढर देवी काड़ुबाई। तो 7:00 इसने इनवाइट किया, तो अभी ये गाड़ी भरने में टाइम है, गाड़ी भरेगी वैसे ही निकलेंगे मांढर देवी के लिए। जय माँ काली दोस्तों, हम लोग फाइनली 7:30 मांढर देवी पहुँच गए। लेकिन मांढर देवी में हम लोग मुंबई से आते थे तो हमारा धूप से हालत ख़राब हो गया था, और मांढर देवी में ये है, ऐसा स्वागत किया है माँ ने हमें। सामने यहाँ पे है माता रानी का मंदिर ऊपर, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर घर में रुके हुए, बारिश थोड़ा कम होगा तो उतर जाएंगे। लेकिन भाई वेदर देखो, वहाँ ऊपर है सामने ये पेड़ के पीछे मंदिर है माता का सामने, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। तो काड़ुबाई के भक्तों के लिए सबसे अच्छी खुशी की बात है कि यहाँ पे ये अन्नदान छत्र चालू हो गया है, जिसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। और यहाँ पे 30 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलने वाला है। 30 रुपये आपको डोनेशन देना है जिससे ये अन्नदान छत्र चले कंटिन्यू। और यहाँ पे अभी बहुत जो काड़ुबाई मंदिर ट्रस्ट है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुख सुविधाएँ दे रहा है भक्तों के लिए, तो काड़ुबाई की कृपा से ये ऐसे ही बनी रहे और भक्तों को भी कॉपरेट करना चाहिए इसमें। यहाँ पे जो पार्किंग है उस पार्किंग में ही यह है किचन, और किचन के सामने ही अन्नदान छत्र। तो हम लोग तो अभी फ़िलहाल करीबन 9 बज रहा है, तो 9 बजे आए तो हम लोग को स्पेशली खाना बना के दे रहे हैं 100 रुपये प्लेट भरपेट एक जन के लिए। तो ऐसा भी आप लोग आओगे अगर लेट हो गया तो, ऊपर अगर होटल सारे बंद हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा 100 रुपये प्लेट, वरना 10 से लेके 5 बजे तक तो अन्नदान छत्र चालू ही है जिसकी प्राइसिंग है 30 रुपये। वहाँ पे हमारा खाना निकल गया है। ये है किचन, आप लोग यहाँ पे बैठ के खाना। तो खाना खाने के बाद हम लोग 9:30 बज रहा है, क्योंकि खाना पहले दर्शन करना था बट खाने का बंद होने वाला था, तो उन्होंने बोला कि पहला खा लो। तो चलते हैं माँ के दर्शन को। वैसे अपनी काड़ुबाई है ना, ये इतनी प्रेमळ है कि ये किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानती है, क्योंकि इसके ही बच्चे हम। तो हम लोग ने पहले पेट पूजा कर ली, काड़ुबाई तो हमेशा ही साथ में है। तो चलते हैं काड़ुबाई के दर्शन करने। अभी मैं आप लोगों को सुबह भी लेके आऊँगा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही खूबसूरत काड़ुबाई का ये वाड़ा बन गया है, मंदिर बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। और ये है अपने काड़ुबाई का मेन गेट।
तो सामने भगवा फड़कता हुआ भाई, बहुत ही खूबसूरती से फड़क रहा है भगवा, और पूरा का पूरा ये खूबसूरत माँ का मंदिर ये अपने भक्त, और यहाँ पे पहला मान महावीर हनुमान जी को, जय जय श्री। तो माँ का सोने का टाइम हो गया और अपने दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, और यहाँ पे सुबह मैं दिखाऊंगा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है आई के राजवाड़े का, और ये बाबा गुंजीत बाबा, हाथ कांप रहा है मामा। तो देखो कालू भाई का राजवाड़ा सज चुका है सुंदर सा, और अपने रात में भी आए थे दर्शन करने को कालू भाई के। ये है कालू भाई के ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ, नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ ये होगी, अभी इस पे काम चालू है तो फ्यूचर में उतरने के लिए ये होगा, तो जिससे क्राउड मैनेजमेंट हो सकेगा। और सामने भगवा फड़कता हुआ, और ये है अपनी कालू भाई, अभी इनका भी अभिषेक होने जा रहा है। जय माँ काली दोस्तों। तो रात में अपने दर्शन हो गए थे कालू भाई के, और अभी सुबह हम लोग आ गए हैं कालू भाई के अभिषेक पूजा करने। तो कल का वेदर कैसा था, आज का वेदर देखो, और अपनी सारी मंडली आगे चल रही है। तो चलिए अभी इस दिन में आपको कालू भाई के राजवाड़े के गढ़ के दर्शन कराते हैं। जगदम्बा का दरबार, अरे अपनी मंडली, अपने अभिषेक हो गया कालू भाई का, अच्छे से पूजा हो गई है। अब आपको मैं टूर करा देता हूँ थोड़ा सा, और ये है जगदम्बा का दरबार, बन रहा है बहुत अच्छे से अभी राजवाड़ा, काम चालू है, और होपफुली अगले साल जब मैं आप लोगों को लेके आऊँगा कालू भाई की यात्रा में, क्योंकि इस साल तो यात्रा हम लोग ने नहीं कर पाया था, तो भगवती की यात्रा में आपको लेके आऊँगा, तो आपको ये दरबार बहुत ही सुंदर बना हुआ मिलने वाला है। और यहाँ पे है गंगा जी बाबा का मंदिर, इसका भी काम चालू है अभी। गंगा जी बाबा का मंदिर, यहाँ पे वो है गंगा जी बाबा का मंदिर, और यहाँ पे है लक्ष्मी माता और गाड़ीवान बाबा।
इनके बाजू में ही है गोंजी बाबा धौजी पाटिल। अरे कार्डुभाई की ड्यूटी यहाँ पे अपने 10 रुपये देके तेल डालने रहते हैं अपने नाम से, अपने फैमिली के नाम से, तो तेल जलता है यहाँ पे। यह है मांगेर बाबा का मंदिर और यह है नारियल की जो बलि दी जाती है फोड़ने का स्थान। अरे सामने स्वर्ग, और यह है स्वर्ग का सेंटर। तो जय माँ काली दोस्तों, तो अपने दर्शन हो गए, मैंने होपफुल आप लोगों को भी आदिशक्ति कालूभाई के दर्शन करा दिए। इसके बाद अपन लोग देखते हैं जहाँ जाएंगे वहाँ के दर्शन आप लोगों को मैं कराऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। कल का हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया बस में ही, वरना कल ही मैं आपको सारे दर्शन कराने वाला था जैसे लास्ट वीडियो में कराया था। तो अभी देखते हैं, पहले अन्य छत्र में जाएंगे, 30 रुपये में आपको कालूभाई का प्रसाद मिलेगा, खाना मिलेगा खाने को, तो खाते हैं पहले फिर निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को कालूभाई को होपफुली जो मदली कालूभाई आए हैं, जो मेन कालूभाई है, जय श्री राम हनुमान जी महाराज, तो जहाँ पे कालूभाई उतरी थी नागिन स्वरूप में, कालूभाई के पाँव जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो होपफुली वहाँ पे भी जाएंगे तो आज वापस आपको दर्शन करा दूंगा। और इस वीडियो को तब तक के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, बोलता मांडर सकाळीचे चांग भले।